ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते, लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी की पैनी नजर है, फोकस सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार झटके पे झटके दे रही है कांग्रेस को, कमलनाथ को, नकुलनाथ को। और यही वजह है कि नकुलनाथ जो हैं उनका गुस्सा निकला इस झटके के बाद, कांग्रेस छोड़कर गए कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश शाह को उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, गद्दार तक कह दिया। शुरुआत में कुछ सेकंड की बात मैंने आपको सुनाई। दरअसल हाल में कमलनाथ को लगातार बीजेपी झटके दे रही है, नकुलनाथ को झटके दे रही है, और कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ पार्टी को बीजेपी में जा रहे हैं। एक कमलनाथ के करीबी विधायक अमरवाड़ा से कमलेश शाह चले गए, इसका शायद कमलनाथ को भी अंदाजा नहीं होगा कि कमलनाथ को बगैर बताए उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उसी अमरवाड़ा में के क्षेत्र के गांव में पहुंचे थे नकुलनाथ, और नकुलनाथ ने सीधे तौर पर आदिवासियों के बीच में कहा, क्योंकि आदिवासी विधायक कमलेश शाह इस इलाके के राजा कहे जाते हैं, तो सीधे उन्होंने कहा कि आदिवासी भोले भाले होते हैं, लेकिन ये जो विधायक हैं जो बहुत जल्दी पूर्व विधायक हो जाएंगे, ये गद्दार निकले, बिकाऊ निकले। सुनिए नकुलनाथ को। आपके पूर्व विधायक पूर्व भी होंगे जल्दी, मेरे साथ एक ही दौरे पे थे और मुझे खुशी है कि केवल एक ही दौरे पे थे और वो आखिरी दौरा था। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते, लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? तो नकुलनाथ के निशाने पर कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायक जो बीजेपी में चले गए, यानी कमलेश शाह, नकुलनाथ और कमलनाथ ने अब रणनीति बदल दी है। यही वजह है कि जैसे मैंने बताया कि उस क्षेत्र में नकुलनाथ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कमलनाथ भी ध्यान दे रहे हैं, जहां पर पार्टी को छोड़ छोड़ नेता बीजेपी में जा रहे हैं, पार्टी से बगावत कर रहे हैं, या यूं कहूं बीजेपी के दांव में कमलनाथ के सामने चुनौती बन गए हैं। यही वजह कि नकुलनाथ ने भी शैली बदली है, रणनीति बदली है, और उन क्षेत्रों में लगातार नकुलनाथ कई बार जा रहे हैं। ये वही अमरवाड़ा क्षेत्र का गांव है जहां नकुलनाथ की बात मैंने आपको सुनाई कि इस क्षेत्र में वो तीसरी बार पहुंच गए दौरा करने। एक दौरे में तो उनके साथ विधायक जी भी थे जो बीजेपी में चले गए, इसलिए वो इस सभा में ये भी कह रहे थे कि वो थे तो ठीक है, अब चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जनता मुझे जिताएगी। कुल मिलाकर यह कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ने एक बड़ा घेरा बना दिया है कमलनाथ और नकुलनाथ के सामने। अब देखना है इस घेरे से पार कैसे जाते हैं नकुलनाथ, क्या जीत पाएंगे, और क्या बीजेपी के दांव के बाद भी कमलनाथ का अपना प्रभाव इस क्षेत्र में असर दिखाएगा, ये देखना होगा। छिंदवाड़ा से आप तक खबर पहुंचाई पवन शर्मा ने, आप देखते रहे एमपी तक।